अरे भैया, मैनू कक्षा द्वादश आ में आज आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में समझाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है? यदि कोई समीकरण x बराबर साइन थीटा है तो इसका अर्थ है कि थीटा, ये थीटा वह कोण है जिसकी ज्या या साइन x, थीटा वह कोण है जिसकी ज्या x। इस कथन को विपरीत रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कोण थीटा जिसका साइन का मान एक्स है, इस कथन को थीटा बराबर, अगर ये घट जाए नीचे तो ऊपर ले जाए इन्वर्स हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं इस कथन को। इस प्रकार साइन इन्वर्स का अर्थ है ऐसा कोण जिसका साइन का मान एक्स है, साइन इन्वर्स एक्स को साइन प्रतिलोम भी पढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का प्रतिलोम फलन कहलाता है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को फलन साइन एक्स का प्रतिलोम कहलाता है। अगर हम इसे तब फलन का मुखमान क्या होता है? मुखमान जरूर पूछा जाता है सवालों में। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान, इस चीज को विशेष गौर देंगे। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान फलन का मुखमान कहलाता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अर्थ वह लघुत्तम कोण है जिसका साइन एक्स है। यदि एक्स का मान, इस एक्स का मान, यदि एक्स का मान धनात्मक है तो साइन इनवर्स का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, और यदि एक्स ऋणात्मक है तो इसका मान 0 और माइनस पाई बाई 2 के बीच होगा। सवाल आएंगे तो इन चीज़ों को हम बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तभी हम सवालों को हल कर सकते हैं। यदि ये चीज़ नहीं मालूम है तो उसका आंसर हमारे दिमाग में कभी प्लस कभी माइनस की तरफ दौड़ेगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्स धनात्मक है तो साइन इनवर्स का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच होगा, और यदि एक्स ऋणात्मक है तो इसका मान 0 माइनस पाई बाई 2 के बीच होगा। इसलिए साइन इनवर्स एक्स और कोसाइन इनवर्स एक्स का मान सदैव पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच होता है। इसी प्रकार कोस इनवर्स में एक्स का धनात्मक मान है तो कोस इनवर्स का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच होगा, और एक्स ऋणात्मक है तो इसका मान माइनस पाई बाई 2 और पाई के बीच होगा। अतः कोस इनवर्स और टैन इनवर्स का मान सदैव 0 और पाई के बीच रहेगा। टैन एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स एक्स की तरह पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच रहेगा। अब इनके जो डोमेन या प्रांत और परतर हैं उनके लिए समझ लें। अगर कोई फलन y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो फलन का प्रांत माइनस 1 और 1 के बीच रहेगा एक्स का मान, और ये y का मान परतर एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान रखेंगे वो फलन का प्रांत हो जाएगा, और जो पूरा हल करके आता है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है वो परतर हो जाएगा। तो क्या आया परतर हो गया, y का मान निकल के आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 y बराबर कोस इनवर्स एक्स, x का मान माइनस 1 और प्लस 1 के बीच, y का मान 0 और पाई के बीच, परतर जो होगी वो 0 पाई के बीच होगी, ये विक्रांत माइनस 1 और प्लस 1 के बीच होगा। ऐसे ही ये tan इनवर्स का मान है संन से प्लस अनंत, और y का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, cot इनवर्स का माइनस अनंत से प्लस अनंत, और y का मान 0 से पाई, sec इनवर्स x का x का मान ग्रेटर देन 1 या x का मान लेस देन माइनस 1, तो y का मान 0 और y के बीच रहेगा, जबकि y का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। y बराबर कोसेक इनवर्स x है तो x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन स्क्वायर रूट माइनस 1, तब परसर जो होगी वो होगी y
मान माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच होगा, जहाँ पाई का मान जीरो नहीं होना चाहिए। लोग त्रिकोणमितीय फलन के सवाल को हल करने के लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। सूत्र हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको इन्वर्जन कैसे परिवर्तित करके लगाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है अपॉन साइन थीटा। इनवर्स में केवल कोण नीचे आता है, साइन इनवर्स है बराबर कोसेक इनवर्स अपॉन एक्स हुआ, ना कि अपॉन कोसेक इनवर्स है। साइन इनवर्स है बराबर कोसेक इनवर्स अपॉन एक्स, ये व्युत्क्रम फार्मूले कहलाते हैं। टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स अपॉन एक्स, ऐसी कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स cos inverse x का sec inverse अपॉन x, sec inverse x का cos inverse अपॉन x, ये क्रम फार्मूला हो गए। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सवालों में लगती हैं, और ये प्रॉपर्टी सिद्ध भी होती हैं आगे सवालों में, ये प्रॉपर्टी सिद्ध भी कराई हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस सूत्र के तौर पर यह लिख दिया है, ये सूत्र के तौर पर लागू भी होती हैं। यहाँ पर sin inverse x प्लस cos inverse x आ जाएगा, उसकी जगह हम पाई बाई टू लिखेंगे। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू लिख देंगे। साइन इनवर्स जैसे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह से ये सूत्र है कुछ, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका मान वन और प्लस वन के बीच में एक्स का मान होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। साइन थीटा बराबर पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर पढ़ा आपने अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पर केवल कोण का लिखेंगे वो अंडर रूट में कॉस मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये लाग हो गया, इसके बराबर क्या है, इसको टेन लिखेंगे। अगर हमें साइन से कॉस बदलना चाहिए, साइन से टेन बदलना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम चौकोर त्रिभुज के माध्यम से अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स बराबर साइन थीटा बराबर एक्स, लंब बटे कर्ण, इसे ऐसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस की परिभाषा इसमें क्या है उसका निकाल लो, टेन का आ गया लंब बटे आधा। साइन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स बदलेंगे तो ऐसे एक्स बटे वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदलने का फॉर्मूला भी है, कॉस से टेन बदलने का ही है, टेन का होता है ये फॉर्मूला, कॉस का अलग होता है साइन का अलग होता है, साइन का लिखाता है हमने नंबर की कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, उसकी ये चीज आएगी टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कौन है। जैसे टेन से साइन बदलेंगे तो जाएगा, टेन से कॉस बदलेंगे तो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने पढ़ा है, उसी तरह से जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस सी साइन होता है, तो साइन में आ गया कॉस का आप निकाला है, तो हमने साइन से कॉस में, तो साइन ए प्लस साइन बी की तरह ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस। ऐसे ही ये सूत्र है ए माइनस बी का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा दे जाएगी, सब चीज माइनस हो जाएगा। कॉस का होता ही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए का निकाला कॉस छूट जाएगा, साइन बी का निकाला छूट जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स वाई का ये सूत्र उल्टा होता है, ये प्लस माइनस माइनस टेन इंटू बी का होता है, टेन इंटू टेन भी बनवाए टेन इंटू टेन, मतलब टेन पर सी आएगा और चलेंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस, ऐसे ये माइनस बी का एक्स माइनस वाई
और वन प्लस एक्स वाई, क्वाड का इसका उल्टा होता है। टेन क्यूब वाला फार्मूला टू टेन बटे वन माइनस टेन स्क्वायर पर टू टेन इनवर्स एक्स पर और टेन इनवर्स टू एक्स पर टेन माइनस वन स्क्वायर। टू टेन इनवर्स कॉस का ये होता है टेन से कॉस निकालने का, टू कॉट इनवर्स एक्स टेन का उल्टा, टू साइन इनवर्स एक्स ये होता है टू साइन ए कॉस ए, इनके साइन इनवर्स आ गया टू साइन ए कॉस ए, इसमें कर दिया हमने टू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस ये आपको ज़्यादातर लगने वाले फार्मूले मैंने एक ही बार में लिख दिए, आगे आपको फार्मूला अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब एक ही बार में फार्मूले आप कर लेंगे, इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज 2.1 है आपकी, ये में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सवाल आपको फिर बाद में इन्हीं के ऊपर गृहकारी में देंगे, उन्हें ध्यान से समझें। साइन इनवर्स माइनस एक बटी दो है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है हमारे लिए। हमने ये सवाल पूरा वाई बराबर मान लिया, इधर लाइन तो साइन वाई हो जाएगा बराबर माइनस एक बटी दो, माइनस एक बटी दो माइनस साइन तीस का मान, इसे हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, वाई बराबर माइनस फाइव बाई सिक्स हो गया आंसर, इसलिए इसको हमने नहीं बदला प्लस में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर जो है तो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू होता है। ये आपको याद रहे, अभी हमने आपको सारे परिसर और ग्राउंड लिखवाए थे, उन्हीं के आधार पर मुख्य मान ज्ञात किया जाता है। ये बात हमने थ्योरी इसलिए लिखवाई आपको अभी कि आप उसे पहले ध्यान से पढ़ें, किसका मुख्य मान कहाँ होता है, किसके परिसर कहाँ होती है, क्रांत क्या होता है। बाई हमने परिसर मानी है, वाई का मान उसमें मैंने लिखा है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, ये माइनस के बीच का है इसलिए इसे चेंज नहीं आएंगे। कॉस इनवर्स अंडर रूट तीन बटे दो, वाई बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट तीन बटे दो, कॉस वाई बराबर अंडर रूट तीन बटे दो, कॉस वाई बराबर कॉस का तीस का मान होता है, वाई बराबर कॉस से कॉस कट गया फाइव बाई सिक्स, कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य का पड़ता है जीरो से फाइव होता है। मैं दोबारा दोबारा इसलिए लिखता जा रहा हूँ, आपको बार बार लिखने से भी याद होगा, पहले तो उसे याद करेंगे, जो लिखिए उसमें सारे मुख्य मान पत्र लिखवा देने चाहिए। उसे इनवर्स दो वाई बराबर उसे इनवर्स दो उसे वाई बराबर दो दो होता है उसे वाई बराबर वाई बाई सिक्स, उसे इनवर्स का भी मुख्य का पत्र साइन की तरह माइनस फाई बाई टू से फाई बाई टू बीच होता है। चौथा सवाल है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, टेन बाई बराबर माइनस अंडर रूट थ्री, ये माइनस टेन साठ, इससे हम टेन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, टेन से टेन कट गया पाई बराबर माइनस पाई बराबर थ्री, इसका भी शाखा प्रतिशत साइन इनवर्स की तरह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू भी होता है। पाँचवा सवाल है कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो, तो कॉस बाई बराबर माइनस एक बटे दो हो गया माइनस कॉस थीटा, इसको हम बदल ले रहे हैं पाई माइनस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तीन एकम तीन तीन में से दो कॉस से कॉस कट गया वाई बराबर टू वाई बाई थ्री, वाई का मान आ गया टू वाई बाई थ्री, मुख्य मान आ गया टू वाई बाई थ्री। अब आप आगे पढ़ेंगे किसी लाइटर में कुछ लिखा हो किसी में आप किसी तरह से करके जाएंगे, आप मुख्य शाखा पर सब ध्यान रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। मुख्य शाखा पर सर अपने मन में बैठा लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सही आंसर अपने आप आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस वन, तो ये अभी हमने आपको पहले ही बताया माइनस वन क्वेश्चन नंबर चार में, क्योंकि टेन वाई बराबर माइनस एक माइनस टेन पैंतालीस या टेन माइनस छीटा टेन से टेन करके वाई बराबर माइनस, इसका भी शाखा परिसर वही अजन्म बताया आपको टेन वाला क्वेश्चन नंबर चार में,
माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू साइन का और इसका एक सही होता है का। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। टेन इनवर्स क्वेश्चन नंबर क्या है, टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक टू दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक टू दो। ये टेन पैंतालीस का मान है, ये कॉस टू पाई बाई थ्री का मान है, ये साइन माइनस पाई बाई सिक्स का मान है। टेन इनवर्स से टेन कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस, साइन इनवर्स से साइन, पाई बाई फोर टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स। बारह एलसीएम आ गया, चार तीन बारह, तीन एक तीन, तीन छः बारह, चार तीन आठ, माइनस छः दो बारह, दो एक दो, आठ और तीन ग्यारह, माइनस दो पाई नौ पाई तीन से काट देंगे, तीन तीन नौ, तीन छः बारह, तीन पाई तीन चार आंसर। बारह में सवाल है कॉस इनवर्स एक बटे दो प्लस टू साइन इनवर्स एक बटे दो, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री और ये कॉस पाई बाई साइन पाई बाई सिक्स का मान, साइन इनवर्स से साइन कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस, फाइव बाई थ्री टू टू ये बच गया, फाइव बाई सिक्स दो से काट के दो तीन छः, फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री टू फाइव बाई थ्री आंसर। जो आपको मुख्य मान और मान निकाल कर बताए उनके आधार पर कुछ आपको गृह कार्य में सवाल दिए हैं, उनको आप हल करके ग्रुप में डालिएगा, इससे हमें पता चले कि आप भी सक्रिय हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।